नमस्कार दोस्तों, यदि लंच के लिए पराठा बनाने को समय ना मिले या टिफ़िन के लिए रोटी सब्जी दोनों बनाने से बचना हो तो यह आलू मसाला रोटी को मात्र 10 मिनट में बनाकर पति या बच्चों के टिफ़िन में दीजिए और देखिए बच्चा और पति खुश होकर बिना किसी सब्जी के पूरा का पूरा लंच बॉक्स खा कर ही आएगा। तो फिर चले फटाफट बनाना शुरू करें। दोस्तों, हम ये आलू मसाला रोटी बना रहे हैं तो सबसे पहले बॉईल किए हुए आलू को लेकर उसे छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके लेना है। मैं एक आलू को कद्दूकस कर रहा हूँ, चाहे तो आप दो मीडियम साइज़ के आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसे टिफ़िन के लिए बनाना हो तो आलू को रात को ही बॉईल करके रखिए ताकि सुबह आप इसे 10 मिनट के अंदर बना सको। तो आलू को कद्दूकस करके हो गया है। अभी इसमें डालना है कुछ ड्राई मसाले, जिसमें है आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, दो पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और दो पिंच हल्दी पाउडर। अभी लेना है लगभग 1.5 कप गेहूं का आटा और आटे के साथ डालना है 1/3 कप बेसन। अब स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, बारीक कटी हुई दो हरी मिर्ची, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। यदि आपको तीखा नहीं बनाना है तो हरी मिर्ची या मिर्ची पाउडर को स्किप करिए और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालकर पहले सबको आपस में अच्छे से मिलाकर देखिए, क्योंकि आलू में मॉइस्चर की मात्रा होती है तो ऐसे मिलाने से पता चलेगा कि पानी कितना यूज़ करना है। अब एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालने वाला हूँ। क्या है कि मैं शुरुआत में डालना भूल गया था, आप नहीं डालना चाहते हो तो भी चलेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद कर लेना है। जैसे कि हम रेगुलर रोटी चपाती के लिए आटा लगाते हैं, वैसा स्मूथ आटा गूंद कर लेना है। और ऐसे गूंद लेने के बाद आटे पे एक चम्मच तेल डाल के और थोड़ी देर मसल मसल के स्मूथ बनाएंगे। अभी आटे को सेट होने के लिए 5 मिनट तक कवर करके रखना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटा बढ़िया सेट हुआ है। तो आटे में से लड्डू जितना पोर्शन लेके, यानी कि आपको मसाला रोटी साइज में छोटी या बड़ी कैसी बनानी है उस हिसाब से लोई बनाकर चकले पे सूखा आटा डाल के बेल कर लीजिए। तो जितना हो सके उतना पतला बेल कर लेने की कोशिश करिए। ये देखो आप ऐसे एक एक आलू मसाला रोटी को बेल कर तवे को कुछ भी लगाए बिना तवे पे डाल के सेक लेना है। तो फ्लेम को मीडियम करके कुछ सेकंड तक सेक लीजिए। अभी इसे पलटकर दूसरे साइड से सेक लेना है। तो ऊपर तेल या घी आप जो भी खाना पसंद करते हो उसे लगाकर सेक लीजिए। तो आप तेल या घी जो भी लगा रहे हो वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगाइए ताकि ये ज़्यादा समय के लिए सॉफ्ट रहे। तो दोनों तरफ लगाकर एक दो बार अलट पलट के अच्छी तरह सेक ले। ये देखिए मसाला रोटी बनके तैयार है। तो है ना कमाल की रेसिपी, कुछ मिनटों में बनाकर बिना किसी सब्जी के पति के लंच बॉक्स में दही के साथ या बच्चों के टिफिन में देना हो तो सॉस या किसी भी मनपसंद चटनी के साथ दे सकते हो।